हे राज, तुम्हारे लिए एक काम है। कुछ ही देर में तुम्हें एक एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस पर तुम्हें कोड मिलेगा और उस कोड को तुम्हें डिकोड करना है। और जब तुम उस कोड को डिकोड करोगे तो तुम्हें एक और एड्रेस मिलेगा और उस एड्रेस पर तुम्हें एक पैकेज मिलेगा। मैं तुम्हें वार्न कर दूँ, उस पैकेज के पीछे कई बड़े लोग लगे हैं, कई बड़े क्रिमिनल्स लगे हैं और शायद इनमें से कोई पैकेज को ढूंढते हुए तुम्हारे पास आ जाए। और कभी ऐसा लगे कि पैकेज खतरे में है तो समझ जाना। तो यह बताते हुए मुझे थोड़ा शर्म आ रहा है, पर क्या करूं, बताना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि जब भी उड़ता तीर दिखे पतली गली पकड़ के निकल लेना चाहिए, पर साला वही उड़ता तीर मैं अपने पिछवाड़े पे लेके घूम रहा हूँ। साला चूतिया हूँ ना मैं, मतलब एक बंदा हैकिंग की मदद से क्या क्या नहीं कर सकता। मैं वो सब कर सकता हूँ जो एक आम आदमी सोच सकता है, लेकिन साला मैं वो कर रहा हूँ जो एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता, हैकिंग की मदद से लोगों की मदद। अबे क्या चूतिया पाया ये। हाँ मतलब समझ रहा हूँ, सुनने में थोड़ा अजीब है, पर यही तो करता हूँ मैं। या राज स्पीकिंग। क्या यार फिर से वही घिसा पीटा यार, कुछ इंटरेस्टिंग लाया करो, जैसे मतलब मजा आ जाए एकदम करके, समझ रहे हो ना। ठीक है ठीक है ठीक है, तू टेंशन ना ले। मैं देख, तुम लोग इतना मोबाइल खोते कैसे हो? हाँ फिर से वही मोबाइल ढूंढो, कहाँ खो गया कहाँ नहीं खो गया यार। ठीक है नहीं नहीं मतलब मैं ताने नहीं मार रहा हूँ, मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए हम उस पर काम करते हैं, हम वो चीज़ें ढूंढ पाते हैं जो इंटरनेट से जुड़ी होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपका झुमका इंटरनेट से जुड़ा होगा। तो बताइए, ये तो थोड़ा सा नामुमकिन हो गया ना। मतलब मैं मानता हूँ नामुमकिन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ। क्या आपने बरेली के बाजार में ढूंढा? हेलो सर, आपको हमारी बैंक से 25 लाख की लॉटरी लगी है, लोलू बैंक से। क्या बात कर रहे हैं, बिना लॉटरी के? जी सर, आपका लकी ड्रॉ निकला है। किधर से? वो सब छोड़िए सर, अगर आपको अकाउंट में पैसे चाहिए तो अपना डेबिट कार्ड नंबर टाइप करो। ए रुक रुक रुक, अभी अभी करता हूँ। हाँ हो गया। आपको कोई ओटीपी आया होगा, बताओ जरा। 15470। सर 5 नहीं 4 अंकों का होगा, मैं वापस भेजता हूँ। हाँ आ गया, 15470। सर सेम ओटीपी नहीं आ सकता। ये मेरा ओटीपी नहीं है, ये तेरा बैंक बैलेंस है, मगन लाल गंडवे साले। सर आपको मेरा असली नाम कैसे पता? जिस पुस्तक से तू पढ़ा है ना, उस पुस्तक के आखिरी पन्ने पे हमारी फोटो छपी है। और सुन सुन सुन, अगर दोबारा किसी को कॉल किया ना, इस बार 15470 ओटीपी नहीं आएगा, इस बार आएगा 000। क्या समझा? क्या बोल रहा है? ये थी मेरी लाइफ अब तक, बट लाइफ इज टू शॉर्ट टू लीव। पर कहते हैं ना, जब जिंदगी लेती है तो पता भी नहीं चलता। सब सही चल रहा था, बस पैसों के लिए कई गलत काम शुरू कर दिए थे, तो उसका अंजाम तो मिलना ही था। ओके सर, 1500 में डील करते हैं सर। 1500 में हो जाएगा सर आपका, आप चिंता ना करिए, बस हम 10 मिनट लेंगे और आपका काम पूरा हो जाएगा।
सर 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 मेरी बात समझने की कोशिश करिए सर। मैं पिज्जा डिलीवरी नहीं कर रहा हूँ कि आधे घंटे में कर दूंगा सर। सर टाइम लगता है सर। सर प्लीज़ सर 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 मेरी बात सुनिए, आपको पैसे देने पड़ेंगे। देखिए देखिए आपके पास तीन चॉइस हैं, 1500 में 2000 फॉलोवर, 1000 में 1500 फॉलोवर, और 500 में 1000 फॉलोवर। तो बताइए कौन सा हो, जल्दी बताइए। बहुत हुआ वक्त चोरी। सुन रहे गांडू, चुपचाप मेरे पैसे दे दे, नहीं तो तू जानता ही मैं हैकर हूँ, समझा। हाथ डाल के पूरा अपने सारे पैसे निकाल लूंगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो चुपचाप दे। थैंक यू। जस्सी बता क्या हुआ? क्या हुआ? पूरी बात बता ना क्या हुआ। अरे बता ना भाई क्या हुआ, तू ये ऐसा क्यों बोल रहा है यार तू? देख आराम से लंबी सांस ले, अब बता क्या हुआ। जस्सी हेलो हेलो जस्सी कौन 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 है वहाँ? हेलो जस्सी बता ना भाई क्या हुआ। हेलो जस्सी फेंक दे किसी नाली में और वो मोबाइल उठा के मुझे दे। हेलो राज आ रहा हूं मैं। संभल कर रहे।